Morning students, this is our 7th lecture of unit 1st in which we study about magnetic abrasive finishing. Magnetic abrasive finishing, जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, इसमें magnetic magnets का use होगा, abrasive particles का use होगा और ये जो हम करेंगे use, इसको finishing के लिए use करेंगे. तो magnetic abrasive finishing में क्या करेंगे, हम magnetic particles लेंगे ऐसे जो abrasive का work करेंगे हमें. ये बेसिकली दो तरह से की जाती है मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग. एक जिसमें हम एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं उनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो एक ब्रश की तरह बन जाते हैं, जैसे कि एक वायर ब्रश हो किसी मटेरियल का, और उसको जब मैग्नेटिक पार्ट को हम आगे पीछे मूव करवाते हैं तो उसके साथ साथ वो एब्रेसिव पार्टिकल्स भी मूव होने लगते हैं और वो एक ब्रश की तरह वर्क करते हैं और मटेरियल रिमूव कर देते हैं. तो ये डिबरिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है. डिबरिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर जो हमारा एक्सेस मटेरियल रह जाता है कहीं पर, रिमूव नहीं होता, उसको रिमूव करने के लिए, जो कि नैनो और माइक्रो के स्केल में होता है, पॉलिशिंग के लिए और फाइनल फिनिशिंग करने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड असिस्टिंग पॉलिशिंग भी बोलते हैं इसको. तो ये मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेड पॉलिशिंग इज़ ए नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस. कन्वेंशनल प्रोसेस नहीं है, एक नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस है जिसमें हम मशीनिंग फोर्स आर कंट्रोल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड. जहाँ पे जो एक मशीनिंग फोर्स होते हैं, जो मशीनिंग के लिए फोर्स लगते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम उनको कंट्रोल करते हैं. देयर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेड पॉलिशिंग. दो तरह की होती है मैग्नेटिक फील्ड असिस्टिंग पॉलिशिंग जो है, जिसमें एक है मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग इन विच वी यूजेज अ ब्रश ऑफ मैग्नेटिक एब्रेसिव फॉर फिनिशिंग मशीनिंग एंड मैग्नेटिक फ्लूइड पॉलिशिंग. सेकेंड इज मैग्नेटिक फ्लूइड पॉलिशिंग, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लूइड ग्राइंडिंग. इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लूइड यूज़ किया जाता है, ठीक है, विच यूज मैग्नेटिक फ्लूइड दैट कंटेन्स मैग्नेटिक पार्टिकल्स एंड लिक्विड कैरियर विद एब्रेसिव. यानी कि एक तो होता है हमारा कि सिंपल एब्रेसिव पार्टिकल्स जो कि उसके तरह से रखे जाते हैं, जो हमारे जैसे कि डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इनको मिक्स कर देते हैं हम एब्रेसिव पार्टिकल्स को हम फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के साथ, जैसे कि वो एक ब्रश की तरह स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं और फिर मशीनिंग करते हैं. दूसरा होता है हम उन्हें फ्लूइड के अंदर यूज़ कर सकें. कोई एक मैग्नेटिक फ्लूइड लें, उसके अंदर हम एब्रेसिव पार्टिकल्स रखें और उसको फ्लो करवाएं एक पर्टिकुलर मटेरियल से, तो वो भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेड मशीनिंग होता है, ठीक है. तो मैग्नेटिक एब्रेसिव्स आर इमर्ज इन एज इम्पोर्टेंट फिनिशिंग मेथड फॉर मेटल एंड सेरेमिक्स. मेटल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, और सेरेमिक्स यानी कि जो मेटल्स नहीं होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग इज़ वन सच अनकन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेस डेवलप्ड रिसेंटली टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली गुड क्वालिटी फिनिश ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेस. ये एक ऐसा मेथड है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सरफेस पे मशीनिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. चाहे हम इंटरनल सरफेस है मटेरियल का जहाँ पे हम इसी इजीली पहुँच नहीं सकते, उसको भी हम फिनिश कर सकते हैं इसके थ्रू, चाहे हमारा जो एक्सटर्नल सरफेस है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए. मैग्नेटिक जैसे कि अब देखो, आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में देख हम एक प्लेट देख पा रहे हैं, वर्क पीस रखा हुआ है. वर्क पीस के ऊपर और नीचे हम दो मैग्नेट्स लगाते हैं जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है. तो जैसे ही मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक लाइंस बनना शुरू होती हैं, तो जब मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं तो उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं, एक पोल से स्टार्ट होकर दूसरे पोल की तरफ जाती हैं, उसी फॉर्म में क्या होता है, हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक लाइंस. तो वो मैग्नेटिक लाइंस की फॉर्म में अरेंज होकर एक ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. और जब हम मैग्नेटिक फील्ड को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, जिस भी डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स उनके साथ साथ जब मैग्नेटिक लाइंस चेंज होती है तो उनके साथ साथ चेंज होते रहते हैं, अपवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमा देते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर मूव होता रहता है. और उसके साथ साथ देखो, हम दिखा सकते हैं, इसमें एक नॉर्थ पोल बनाया हुआ है एब्रेसिव पार्टिकल्स के, जो सॉरी वर्क पीस है उसके नीचे, वर्क पीस के ऊपर हमने एक नॉर्थ पोल लगाया हुआ है, नीचे साउथ पोल लगा हुआ है. तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस वो अरेंज हो जाती हैं.
और उसी डायरेक्शन में हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज हो जाते हैं। तो अब इसमें हम एब्रेसिव पार्टिकल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, इन दिस प्रोसेस फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स आर सेंटर्ड विद द एब्रेसिव पार्टिकल्स, यानी कि एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स हम मिक्स कर देते हैं। तो ये फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स को जो लाइंस होती हैं उन लाइंस के मैग्नेटिक लाइंस के अंदर उनको लगा देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, हमारा ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके थ्रू हम पॉलिशिंग और फिनिशिंग करते हैं। दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो जो हम एब्रेसिव यूज़ करते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड, एंड सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक एब्रेसिव पार्टिकल्स, इनको फेरोमैग्नेटिक एब्रेसिव पार्टिकल्स कहा जाता है। अब इसमें हम दो तरह की मशीनिंग यूज़ करते हैं, फिनिशिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस और फिनिशिंग ऑफ इंटरनल सरफेस। अब एक्सटर्नल सरफेस की अगर हम बात करें कि जो हमने ऊपर अभी डायग्राम देखा था वो एक्सटर्नल सरफेस है, ये एक्सटर्नल सरफेस को फिनिश करने के लिए हम इस तरह से मशीनिंग करते हैं। तो एक्सटर्नल सरफेस में क्या होता है हमारा, जैसे कि फिगर ऊपर वाला है वो बता रहा है कि एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग प्रोसेस इन विच फिनिशिंग एक्शन इज जनरेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन वर्क पीस एंड सरफेस ऑफ द रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट हमारी जो रोटेट कर रही है वो, और जो हमारा वर्क पीस का सरफेस है वो, उन देखो ये क्या है, ऊपर देखोगे आप तो ये लाइंस बन गई। अब ये अगर हम ये लाइंस बन गई हैं, अब हमारा जो नॉर्थ पोल है जैसा कि डायग्राम में हम देखें, अगर हम इसको रोटेट करवाएं तो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्सेस हैं वो भी रोटेट करेंगी, अगर हम ऊपर और नीचे दोनों के जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड हैं उनको रोटेट करवाते हैं। तो जब मैग्नेटिक लाइंस भी हमारी रोटेट करेंगी साथ के साथ, तो मैग्नेटिक लाइन के अलोंग जो हमारे पार्टिकल्स अरेंज हैं वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो पार्टिकल्स रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे तो वे कुछ कटिंग एक्शन हमारे वर्क पीस के ऊपर करेंगे, और इस तरह से क्या होगा, हमारा वर्क पीस कट से मटेरियल रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सटर्नल में यही होता है कि जो हमारी वर्क पीस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट है उनके बीच में जो मटेरियल होता है, जब वो रोटेट करना स्टार्ट करता है तो मशीनिंग शुरू हो जाती है। When it rains and insert the workpiece while rotating the magnetic abrasive brush results a magnetic removal, material removal in the form of chips. Chips की form में छोटे छोटे particles के through क्या होता है, material remove होता है। The magnetic abrasive grains are combined to each other magnetically between magnetic poles along line of magnetic force. तो जो हमारी magnetic force की line है उनके along ये एक दूसरे से magnetic field force के through connect होते हैं और रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है मशीनिंग का वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो हुआ एक्सटर्नली जो हम कर रहे थे, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम कि इंटरनली ऐसे कैसे करते हैं। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मशीनिंग फोर्सेस कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मशीनिंग फोर्स जो लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वो लगेगा, तो जितना स्ट्रांग हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना स्ट्रांग क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। द सर्फेस फिनिशिंग डिवाइडिंग द प्रिसीजन राउंडिंग ऑफ द वर्क पीस कैन बी डन। तो इस तरह इससे क्या क्या प्रोसेस किया जा सकते हैं, सर्फेस फिनिशिंग की जा सकती है, ठीक है, प्रिसाइज राउंडिंग की जा सकती है वर्क पीस की, मैग्नेटिक एब्रेसिव फील्ड कैन बी यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन एज पॉलिशिंग एंड रिमूवल ऑफ थिन टिन ऑक्साइड फिल्म। टिन ऑक्साइड फिल्म क्या होता है, जैसे कि अब थिन ऑक्साइड फिल्म क्या होता है, जैसे कि किसी मटेरियल पे कोल्ड वर्क की जगह हॉट वर्क हो रहा है, जैसे कि कोई भी अबव देन क्रिटिकल टेम्परेचर कोई वर्क हो रहा है उस पर, अगर हम हार्डनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सपोज अगर वेल्डिंग भी हम अगर उस पर कर रहे हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर एक जम जाती है उसके ऊपर। तो अगर हम वेल्डिंग शॉप में देखते हैं तो वायर ब्रश के थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं, उनको स्लैक्स बोलते हैं। तो स्लैग को रिमूव करने के लिए हम वायर ब्रश की जगह मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग की के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिवरिंग भी हो जाती है कई बार उसमें वेल्डिंग के टाइम पे, तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं किसके थ्रू, मैग्नेटिक एब्रेसिव फिनिशिंग की तरफ। इंटरनल सरफेस को फिनिश करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, इसको देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ एक नोज़ल दिया हुआ है, नोज़ल के थ्रू क्या करते हैं, एब्रेसिव मैग्नेटिक जो पार्टिकल्स हैं हमारे मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उनको हम एक सिलेंडर है अगर होल हो तो उसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा देते हैं ऊपर की तरफ, तो वो भी एक वायर की फील्ड
वायर जैसे कि हमारी लाइन्स हैं उसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगे हुए हैं तो वो एब्रेसिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, सर्कमफेरेंस पे सारे पार्टिकल्स आके इकट्ठे हो जाते हैं। और जब रोटेट करना शुरू होता है जो हमारा सिलेंडर है इंटरनल साइड से, तो वो क्या होता है, वो फिनिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो इंटरनल पार्ट्स हैं किसी भी मटेरियल के उनको हम आसानी से फिनिश कर सकते हैं। तो ये जो एब्रेसिव फिनिशिंग होती है उसे हम दो तरह से यूज़ करते हैं, एक एक्सटर्नल पार्टिकल्स के लिए भी यूज़ करते हैं हम, एक इंटरनल पार्टिकल्स के भी यूज़ कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हम दोनों तरह के प्रोसेस को यूज़ किया है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी इसके बाद सेकंड यूनिट, इसमें हम क्या करेंगे, मैकेनिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, एडवांस मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें मैकेनिकल प्लस कन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, वाटर जेट होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स होंगी, इस तरह के उसको डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में, जो कि हमने फर्स्ट ही जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन वाला उसमें पढ़ा था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं एडवांस मैकेनिकल मशीनिंग के, उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, ओके, थैंक यू।